अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू वेलकम। कैसे हैं दोस्तों? सब खैरियत से हैं? आज का मेरे जो टॉपिक है, जो पर्सनैलिटी है, वो माय फेवरेट पर्सनैलिटी इन द पॉलिटिक्स। आई लव दिस पर्सनैलिटी। मेरी मुराद जनाब, मैं जनाब का नाम बड़े अदब एहतराम से लेता हूँ, क्योंकि आई एम इंस्पायर्ड विद दिस मिस्टर मोहम्मद फैसल खान नियाज़ी साहब। एमपी हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब, मुंतखब हुए हैं खानेवाल से। बहुत दबंग पर्सनैलिटी है और सादा इंसान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनकी मोहब्बतें रही हैं, अब नहीं हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका स्टार्ट वर्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। मोहब्बतें इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं थी, और उस टाइम इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट ना मिलने की वजह से इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन किया, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से एमपीए मुंतखब हुए। और मैं इस पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ। मेरी इनसे जस्ट दो मुलाकात हुई, लेकिन कमाल टॉकिंग स्टाइल, बहुत ही कमाल। कॉपी करने की कोशिश भी की, बहुत आला पर्सनैलिटी। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन इनमें चीज़ है वो इखलाक है इनका। मतलब इनमें वो एमपीए वाली जो पर्सनैलिटी होती है वो इनमें नहीं है। मतलब एक दोस्त वाली पर्सनैलिटी है इनमें, और जो इनकी सबसे बड़ी मुझे चीज़ इंस्पायर्ड की। एक मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात में ये बाय नेम जानते रहे। तो ये हैं वो पर्सनैलिटी जनाब फैसल खान नियाज़ी साहब। और इनकी अगर शौक्स की बात की जाए, शौक्स नहीं शौक की, तो वो जो है हॉर्स राइडिंग, जो पाकिस्तान में जो है पहले टॉप थ्री नंबर्स पे जो है ये करते हैं। निज़ाबाजी का इनको बहुत शौक है, और हर साल ये बहाउद्दीन ज़िदी यूनिवर्सिटी में इवेंट्स करवाते हैं, और वहाँ पे अपनी महारत नौजवान तलबा को दिखाते हैं। उसके साथ साथ सियासत में 15 अगस्त 2018 में इन्होंने ओथ लिया, और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली मुंतखब हुए। उसके बाद इनकी मोहब्बतें, इनकी रफाकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बढ़ती गईं, और एक वक्त पे अच्छा टाइम देखते हुए इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को खैर बात कहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, और आने वाला इलेक्शन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।